بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داعي المدعوات جبار الأرضين والسماوات قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي الخاطر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صلوات كل سورة بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے بعد سات آیتوں کی تلاوت کی گئی اور وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیلَ ایک سلسلہ تھا کہ جہاں گفتگو نوح کی اولاد کے اس حصے سے متعلق تھی جن کو اسرائیل کی اولاد قرار دیا گیا اور اسی کے لیے گزشتہ جو آیتیں پڑھی گئیں اس میں وضاحت کی گئی ذریت من حملنا مع نوح یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں نجات دی تھی سات آیتیں مسلسل جس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے دو مرتبہ بغاوت کی اور دو مرتبہ ہم نے اس قوم کو تباہ کیا اور اس کے بعد آخری تنبیہ یہ تھی کہ اب ان سے کہہ دو ان اتم ادنا اگر پھر تم بغاوت کریں گے تو پھر ہم عذاب نازل کریں گے اس کے ساتھ ہی یہ کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو زیادہ مستقیم ہے جو زیادہ مستحکم ہے جو زیادہ باقوت ہے اقوم کل کی تقریر میں میں نے کچھ
बनी इसराइल के मुतालिक गुफ्तगू करते हुए ये अर्ज किया था कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों के इफ्तरा और उनके बहतान को दूर करने के लिए और पूरी आलम में नसरानियत पर एहसान रखने के लिए सूरह मरियम में मरियम की इस्मत की गवाही दी और ईसा को ताहिर व तय्यब करार दिया। मरियम के लिए लफ्ज़ मुस्तफ़ा इस्तेमाल हुआ। मैं शिकायतन नहीं बल्कि हिकायतन कह रहा था कि यही नसरानी अब आलम इस्लाम के दुश्मन हैं और यहूदियों के साथी हैं। और गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया कि इकबाल ने यह कहा था कि शायद हों कलीसा के यहूदी मुतवल्ली। अब वो वक्त आ गया है कि ये कौम नसरानी शायद अपने चर्चेस अपने गिरजा यहूदियों के हवाले कर। आज इस सिलसिले में जो गुफ्तगू कल हो चुकी मुझे चंद बातें और इफ़ाम व तफ़हीम के सिलसिले में अर्ज करनी हैं। पहले एक बात याद रखिए, गुज़िश्ता जो सात आयतें गुजरी हैं वो बनी इसराइल से मुतल्लिक, मगर आपके इल्म इत्तला के लिए जब मासूम से ये पूछा गया कि यबना रसूलल्लाह आया मेराज के बाद की ये सात आयतें क्या दलालत करती हैं, तो मासूम फरमाते हैं कि इसकी तावील है रजअत आइम्मा में। जाहिर है कि हम इस पर बहस नहीं कर सकते, हुक्म मासूम है, कौल मासूम है, इसकी तावील है रजअत आइम्मा। और वहाँ ख़ास तौर पर अमीरुल मोमिनीन और हुसैन इब्न अली का तस्करा किया गया और उसके साथ साथ जो वजूहात बतलाई गई वो सब नूरुस्सकलैन में इस सूरे की तफसीर में मौजूद हैं। कि मासूम ने फरमाया कि इसका तस्करा इसलिए लाजिम था कि मेराज के बाद जो हकीकत में दौरे हुकूमत आले मोहम्मद है ये उसका इशारा है, उसकी तरफ गुफ्तगू है, उसका जिक्र। और उसके बाद ये इरशाद है कि ये कुरान हिदायत करता है एक ऐसे रास्ते की जो कौन। एक और बात याद रखने के काबिल है, सूरह बनी इसराइल के लिए मासूम से पूछा गया इसके इसका सवाब क्या है, बनी इसराइल की तिलावत का सवाब क्या है। इरशाद फरमाया अगर शब जुमा मुस्तकिल तौर पर कोई बनी इसराइल के सूरह को पढ़े तो दुनिया से न उठेगा जब तक कि हजरत हुज्जत की जियारत न हो। के बाद आपको अंदाजा होगा कि यह सूरा कितना मोहतम बिशान है कि आयत का जाहिर कुछ और है, तावील कुछ और है। इस पर गुफ्तगू करते हुए हैरत सी हैरत होती है और इंसान को एक इस्तेजाब की कैफियत से दो चार होना पड़ता है कि क्या गुफ्तगू की जाए। इसलिए हमारा फरीजा सिर्फ इतना होता है कि आयत को पढ़ें, तर्जमा करें, बतलाएं कि तावील में यह गुफ्तगू आई है और सवाबुल आमाल में यह गुफ्तगू आई है, और उसके बाद एक ऐसी बहस को छेड़ दें कि जहां हम तावील पर भी काबू पा सकें, तंजील को भी समझ सकें। और वो गुफ्तगू अब शुरू होती है। वो गुफ्तगू ये है कि देखिए डॉक्टर इकबाल ने अजीब व गरीब तीन शेर कहे हैं और मुझे काफ़ी उससे तासुर देना है अपने सुनने वालों को। इकबाल कहते हैं हिकमते मशरिक़ व मगरिब ने सिखाया है मुझे, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी ने मुझे ये बतलाया, हिकमत मशरिक व मगरिब ने सिखाया है मुझे एक नुक्ता जो गुलामों के लिए है अक्सीर। एक नुक्ता जो गुलामों के लिए अक्सीर। दूसरा शेर है दीन हो, फलसफा हो, फकर हो, सुल्तानी हो, होते हैं पुख्ता अकायद की बिना पर तामीर।
होते हैं पुख्ता अकायद की बिना पर तामीर, हर्फ उस कौम का बेसोज, अमल बेबुनियाद हो गया पुख्ता अकायद से तही जिसका जमीर। जिस कौम में पुख्ता अकायद न हो उस कौम में न हर्फ में सोज है और न अमल में वसअत है कि दूसरे को मुतासिर कर सके। इकबाल का तज्जिया ये है कि वो कौम जिंदा रहती है जो अपने अकायद को मजबूती से थामे रखे, हर कदम पर अपने अकीदे के लिए डायग्नोसिस, तनकीह, तफ्तीश, तलाश ये हर मौके पर मुनासिब नहीं है। अगर बात दिल में डाल दी गई है, बात दिल में डाल दी गई है कि ये अकीदा रहे, तो फिर अब मौत आ जाए मगर अकीदे में कमजोरी ना हो। ये बहस यूं शुरू हुई और इसके साथ ही मैं आपको बतलाऊं कि अब वो साहिब इकदुल फरीद जिनका तस्करा कल हमने किया 328 हिजरी में जिनकी वफात है, इब्ने अब्द रब्बो या इब्ने हजम उंदलुसी जिनकी वफात 456 में है, या इब्ने तीमिया जिनकी वफात 728 में है, अगर वो बहस सीन और शीन की करें तो, अगर वो बहस ये करें कि हम किसी फजीलत की हदीस को नहीं मानते, या इब्ने तीमिया ये कहे कि हम तो ये कहते हैं कि शिया अली के ईमान को ही साबित कर दें। इब्ने तीमिया ने कहा शिया अली के ईमान ही को साबित कर दें, इल्म को साबित करना तो और है। तो इन बातों को सुनकर या इन बातों को पढ़कर क्या आप ये समझते हैं कि कोई अली का दोस्त रखने वाला अपने अकीदे को मुतजलजल होता हुआ देख सकेगा? इब्ने तीमिया बड़ी हस्ती सही और उसका ये कहना भी हुज्जत सही अपने चाहने वालों के लिए कि कोई अली का ईमान साबित कर दे, मगर हम एराज करेंगे, हम उसके लिए अपना वक्त सर्फ नहीं करेंगे, इसलिए कि हमको काम नहीं है इब्ने तीमिया से या इब्ने कसीर से या इब्ने हजम से या इब्ने अब्द रब्बो से। और एक अजीब बात यह है कि हम क्या गुफ्तगू को छेड़ें इन लोगों से, जबकि इन्हीं के उलमा ने लिखा के पैगंबर ने एक दिन अली को देख के कहा या अली, कयामत के दिन हर एक को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा सिवा तू और तेरे दोस्तों के, कि उनको अपने बाप के नाम से पुकारा जाएगा फकत इसलिए कि उनकी सेहत विलादत साबित है। फकत इसलिए कि उनकी तहारत विलादत साबित है, इसलिए उनको जब आवाज दी जाएगी तो उनके बाप के नाम से पुकारा जाए। तो बहरहाल गुफ्तगू को हम फैलाना नहीं चाहते, तो जिसको अपनी सेहत विलादत पर यकीन हो, अपनी तहारत विलादत पर जिनको यकीन हो, वो क्यों किसी से उलझे? अकायद जाहिर है कि कौम की जिंदगी है, कौम की जान है, खुसूसन हम जब गुफ्तगू को वसअत देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आलम इस्लाम ही को खिताब करते हैं और ये कहते हैं कि देखो इंसान मझधार में जब आता है तो ऐसे मौके पर सवारी को नहीं बदलता। इंसान जब
तूफान में आता है तो ऐसे मौके पर तूफान से उलझते हुए वो अपना आप तज्जिया नहीं करता कि मेरी हकीकत क्या है, मेरा आगाज क्या है, मेरी इब्तिदा क्या। वो तो तूफान से बचना चाहता है, वो तो तूफान से बचना चाहता है। वो क्या कोशिश करेगा अपने मुतालिक जानने और पहचानने की। तो इंसान जब मुसीबतों में मुब्तला होता है तो उस इंसान के लिए यह लाजिम है कि वो ऐसे मौके पर पूरी कुव्वत के साथ अपने अकायद के इस्तेहकाम की फिक्र करे। अगर मिल्लत इस्लामिया के पास कुरान है और अगर यह वक्त इंतहाई तूफान खेज है तो खुदा की कसम क्या यह जरूरी नहीं है कि इस कुरान से तमस्सुक हो। इस कुरान से तमस्सुक हो और जब कुरान से तमस्सुक हो तो कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात उलाएका हुम खैरुल बरिया। वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह किया वो बेहतरीन खिलकत हैं। और वसी को नबी ने देख के कहा कि ये आयत तेरे और तेरे दोस्तों के लिए है। तो आपने देखा अकायद को अगर मुस्तहकम न किया जाए तो यकीनन यकीनन इंतशार है, यकीनन इंतशार। बनी इसराइल की गुफ्तगु फौरन मेराज के बाद इसीलिए हुई आतैना मूसल किताब कहकर के हमने कतमी मर्तबत पर अपनी वही को तमाम किया, हमने मूसा को भी किताब दी बनी इसराइल की हिदायत। बनी इसराइल इस्तेकाम पैदा न कर सके, अपने हकायक को न समझ सके, अपनी हकीकत को न जान सके और अपने दीन से वो मुनहरिफ हो गए, हमने उन पर अजाब नाजिल किया। तो आखिर इसमें मुसलमानों के लिए कोई सबक है? मुसलमानों के लिए कोई सबक है? मुसलमानों के लिए सबक यह है कि अल्लाह को किसी कौम से, किसी मजहब से, किसी दीन से, किसी इंसान से कोई रिश्ता और नाता नहीं है। वो बनी इसराइल हो या मुसलमान, जो कानून कुदरत से टकराएगा वो तबाह कर दिया जाएगा, जो कानून कुदरत से टकराएगा वो तबाह कर दिया जाएगा। वो बनी इसराइल हो के मुसलमान, यह है तसलसल, यह है तसलसल। कि तुम यह ना समझना कि तुम कलेमा गो हो, मगर जबान पर कलेमा रखते हुए अगर दिल कहीं और है, कहीं और कम तकुलू अल्लाह अल्लाह वफी कल्बे का गैर अल्लाह, कब तक जबान से अल्लाह अल्लाह कहते रहेगा, तेरे दिल में तो गैर खुदा समाया हुआ है। तो ऐसे मौके पर मुसलमान की हिफाजत नामूस की जिम्मेदारी और उसकी पासदारी यकीनन कुरान के लिए या कुरान के लाने वालों के लिए या कुरान के वरसा के लिए ज़रूरी नहीं है जब मुसलमान अपने हाथों से तबाही की तरफ जाए। मुसलसल कहा जा रहा है इस कौम से, यानी अजीब बात यह है, अजीब बात यह कि आज का इख्तदार, आज की हुकूमत वो भी यही तकाजा कर रही है कि देखो इस वक्त अपने आप को इस्लाम से अलग ना रखो, सियासत की बुनियाद रखते हो इस्लाम पर रखो, फलसफे की बुनियाद रखते हो इस्लाम पर रखो, हुकूमत का नाम रखते हो इस्लाम के साथ, उसको इजाफत के साथ रखो। यहां तक गुफ्तगु फैल गई कि कुरान ही की बिना पर हम दस्तूर की तैयारी चाहते हैं। क्यों क्यों? क्या यह अहकाम के नाफिज करने वालों को यह ख्याल नहीं है कि सारी दुनिया तो अपने अपने लिए नए नए दसातीर बना रही है और वो अपने आप को कोई पाबंद नहीं रखती बाइबिल का या किसी और किताब का, आसमानी सहीफे का, यह मुसलमानों पे क्यों लाजिम है? नहीं, अकलमंदों ने यह सोचा कि इस तूफान खेज वक्त में अगर कुरान को भी इससे हटा लिया जाए और अगर इसको इस्लाम से दूर कर दिया जाए और यह नए नए इज़्म्स का शिकार हो जाए, और कभी ये सोचे कि हम उस इज़्म में जाएंगे, कभी ये सोचे कि इस इज़्म में जाएंगे, तो अब तजर्बे का वक्त नहीं है, अब तजर्बे का वक्त नहीं है। अब वक्त ये है कि जो कुछ आपको मयसर है उसी पर इतनी
मजबूती से कार बंद हो जाएं कि दुनिया ये जान ले कि अब ये अपने मकाम से हिलने वाले नहीं है, ये अटल है, ये मोहकम है। बस यही है पुख्ता अकायद के मुतालिक गुफ्तगु के इंसान अगर आलम इस्लाम में है तो उसके अकायद पुख्ता, और अगर आलम ईमान में है तो उसके अकायद पुख्ता। और हमारी हद तक जैसे कि कल गुफ्तगु हो रही थी, हम एक मरतबा फिर वाज़ह कर देना चाहते हैं कि हम कहीं रहें, रूए जमीन पर कहीं रहें, किसी मकाम पर अकायद की पुख्तगी का ये आलम है कि हमको चंद ऐसे नुस्खे बतलाए गए हैं, चंद ऐसी दुआएं बतलाई गई हैं, चंद ऐसे विर्द बतलाए गए हैं, चंद ऐसी जियारतें बतलाई गई हैं कि जिनको पढ़ने के बाद बे इख्तियार शरह सदर की कैफियत होती है। और एक मरतबा हम ये पुकार के कहते इन्ना सलावातना अलैकुम व मा कसनाउ बिही मिन विलायतकुम तीबन लखल्कना व तहारतन लअनफुसना व कफारतन लज़ुनूबना। ऐ आले मोहम्मद, जब हम तुम पर दुरूद भेजते हैं तो हमारी खिलकत पाक होती है, हमारे नफ्सों का तस्किया होता है, हमारे गुनाह धुल जाते हैं। जामिया और जो कुछ हमको तुम्हारी मोहब्बत से खुसूसियत हासिल है उसकी बिना पर हमको यकीन है कि तीबन लखल्कना, तहारतन लअनफुसना, तस्कियतन लना, नफ्सों की तहारत है, विलादत की पाकी है, इंसान का तस्किया है, गुनाहों का कफारा है, और क्या चाहिए जिसकी मोहब्बत में इतनी ताकत हो, जिसकी मोहब्बत में इतनी ताकत हो, जिसके तमस्सुक में इतनी कुव्वत हो, खुद उस जाते गिरानी पर क्या गुफ्तगू की जाए, तो उस जाते गिरानी का क्या हाल होगा। मगर यह हकीकत के उस जाते गिरानी ने सिर्फ यही नहीं किया कि मेरे लिए इतने फजाइल हैं, मेरे ये मकामात इल्मी हैं, मुझे इतनी कुर्बत तामा रसूल से हासिल है, इसलिए मैं कोई अपनी राह अलग कर लूं, मैं अपने लिए रास्ता नया निकालूं। नहीं, जिंदगी भर वही किया जो सआदत उमूमी के लिए मुनासिब हो, जो सबकी सआदत के लिए हो, आलम इस्लाम की सआदत के लिए हो। कभी ये नहीं कहा कि जाएं तुम जहां चाहें चले जाएं, हमारा तबका अलग है, हमारा फिरका अलग है। अबू सुफियान ने कहा बेहतरीन वक्त है लड़ने का, मैं साथ हूं। कहा अबू सुफियान जाओ हट जाओ यहां से, नफरत की बातें ना फैलाओ, शुक्कु अम्बादल फितन बे सुकून नजात, फितने की मौजों को नजात के सफीनों से टकरा दो, वज़ऊती जानल मुफाकरा और फक्र मुबाहात के ताज उतार के फेंक दो। तुम हमको क्या मदद देना चाहते हो, बात इतनी है कि अभी तुमने हमको पहचाना नहीं। बलिन दमश तो अलाउ मकनून इल्मिन लव बुक्तो बेही लस्तरब तुम इस्तराब वल अर्शिया फित्तुवी यिल्बाईदा। मेरे इन दो पहलुओं में वो इल्म का दरिया जोश मार रहा है कि अगर मैं उसमें से जरा सी बात तुमको बतला दूं तो तुम इस तरह कांपने लगोगे जैसे अमीर कुएं में पानी भर लेने के बाद डोल की रस्सी कांपती है। तो मतलब यह है कि तुम क्यों चाहते हो मुदाखलत, तुम क्यों मेरी मदद चाहते हो। यानी रसूल का इंतकाल हुआ, अबू सुफियान ने कहा कि देखिए गैरों के पास चली गई हुकूमत, हम आपकी मदद करते हैं। आपने कहा जाओ अली हमरे हक में बातिल की मदद नहीं लेता, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि अगर उसी वक्त अबू सुफियान की मदद कबूल कर लेते, बनी हाशिम तो थे, कुरैश को साथ ले लेते, तलवार खींच जाती, हंगामा आराई होती,
आज इस्लाम का नक्शा क्या होता, आज इस्लाम का नक्शा क्या होता, फिर इब्ने हजम कहां होते, इब्ने तीमिया कहां होते, इब्ने अब्द रब्बो कहां होते, इब्ने कसीर कहां होते। अली ने कोशिश ये की कि बहर सूरत और बहर हाल इस्लाम उस मंजिल पर आए कि जहां से इस्लाम अपनी मुदाफियत के काबिल हो जाए, अपनी हिफाजत के काबिल हो जाए। यहूदी आए, यही बनी इसराइल यहूदी आए, और एक मरतबा का या अली दफन तुम नबी यकुम वक्तलाफ तुम फी, तुमने अपने नबी को दफन किया और फिर उसी की जात में तुमने इख्तलाफ किया, तुमने अपने नबी को दफन किया और तुम सब लड़ पड़े। इरशाद फरमाया ऐसा नहीं है, मख्तलफना फी, हमने नबी की जात में इख्तलाफ नहीं किया, बल इख्तलफना अन हो, उसकी निस्बत और इजाफत और ताल्लुक से इख्तलाफ किया। ये फी और अन हो का फर्क तो हम किया, मख्तलफना फी बल इख्तलफना अन हो, हमने उसकी निस्बत से इख्तलाफ किया, उसके ताल्लुक से इख्तलाफ किया कि अब इख्तदार कहां जाए। मगर तुम शर्म करो, तुम इरशाद फरमाते हैं मा जफत अर्जुलकुम अनिल बहर, तुम दरियाए नील से निकल के तुम्हारे तलवे भी अभी सूखे नहीं थे कि तुमने मूसा को देख के कहा इजअल्लाना इलाहन कमाल हुमालहा, ये लोग कैसे कैसे बुत बनाए बैठे हैं, मूसा हमारे लिए भी एक ऐसा खुदा बना डालो। तुम्हारे अभी पांव सूखे नहीं थे, तुम्हारे तलवे अभी खुश्क नहीं हुए थे कि तुमने खुदा से शिर्क किया। तुम हमको सिखाने के लिए आते हो, देखा आपने, हिफाजत यूं की जाती है। और ये सारे हमारे अइम्मा का दस्तूर रहा कि जब वक्त आया है आलम इस्लाम की हिफाजत की है, सैयदुस साजदीन की असीरी दरबदरी, इसके बावजूद जब शाम की फौजें कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए गई हैं, सैयदुस सज्जाद ने दुआ पढ़ी है, दुआए सुगूर सहीफे सज्जादिया में मौजूद है कि खुदावंदा लश्कर इस्लाम की फतह हो, लश्कर इस्लाम की फतह हो, लश्कर वही जिसने यह सब कुछ किया, सब कुछ किया, मगर जब इस्लाम का नाम आया तो यही सीना से पार हुए, यही सीना से पार हुए। और जब इस्लाम को थोड़ा सा अमन मिला तो इन्हीं मुसलमानों ने इन्हीं को बुरा कहा, आप समझ रहे। तो इस तरह से अकायद की तामीर नहीं होती है, अकायद की तामीर तो इस तरह से होती है कि अगर इंसान के दिलों में दिमागों में बात ये रहे इंसानों के कि हम वाकई अल्लाह के बंदे हैं और बंदगी की राहों में बगैर उसकी हिदायत के आगे नहीं बढ़ सकते, तो कुरान कहता है कि कुरान हिदायत के लिए काफी है, कुरान हिदायत के लिए काफी है, मगर इस तरह से काफी है इन हाजल कुरान यहदी लिल्लती ही अक्वम, ये अक्वम पे देखिए अलिफ काफ वाव मीम, कुरान एक ऐसे रास्ते की हिदायत करता है जो उससे ज्यादा मुस्तकम है। मासूम से पूछा गया अपने रसूलुल्लाह यहदी लिल्लती ही अक्वम के क्या माना, इरशाद फरमाया इन्नल कुरान यहदी इलल इमाम। कुरान इमाम की तरफ हिदायत करता है, कुरान इमाम की तरफ हिदायत करता है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने वारिस किया किताब का उनको जिनको हमने मुस्तफा बनाया, तो वारिस किताब को छोड़कर किताब, आलिम किताब को छोड़कर किताब नहीं, जो तावील किताब से वाकिफ है और रासिकून फिल इल्म की मंजिल पर, उसको छोड़कर किताब आप समझेंगे क्या? आप यही समझेंगे कि बनी इसराइल की पहली आयत के मेराज के बाद बेख्तियार बनी इसराइल का जिक्र आया कैसे? आप तो यही कहेंगे कि तसलसल क्या है, और मासूम कहते हैं तसलसल यह है कि मेराज के बाद यह बतलाया गया, यह बतलाया गया कि इस मेराज का कमाल वो है
کہ جہاں ان کی حکومت ظاہری بھی قائم ہو اور رجعت کے مقام پر یہ اور یہ اور یہ ائمہ میں سے آئیں. اور اس طرح آپ نے تفصیل دی, اس تفصیل کا وقت نہیں ہے. بتلانا چاہتا ہوں کہ بغیر راسخون فی العلم قرآن کے لیے اور ہمارے تعلق سے قرآن کو سمجھنے میں بڑی دشواریاں ہیں, بڑی دشواری. اور پہلا تصور جو آتا ہے قرآن کا متعلق وہ یہی آتا ہے کہ بے ربطی افکار, بے ربطی افکار کہ بھائی فکر میں ربط کیسے. تو آخر بات یہ ہے کہ ہر ایک علم اپنی رمزیت پر جا کر, اپنی رمزیت پر جا کر ہر علم دل و دماغ کی ظاہری سطح سے بہت بلند ہو جاتا ہے. رمزیت کو پہلے سمجھ لیجئے, رمزیت سمبلزم. اور سمبلزم کے معنی کیا ہے؟ سمبلزم کے معنی یہ ہے کہ ماضی کے طویل تجربات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش. رمزیت ماضی کے طویل تجربات کو کم سے کم لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش. کیا ہوا ماضی میں نہیں معلوم. قاف ہا یا عین صاد, ماضی میں کیا تھا نہیں معلوم. ہا میم عین سین قاف الف لام میم صاد الف لام را ہا میم یا سین تا ہا نون صاد قاف, اتنی رمزے آغاز میں اور جہاں ابتدا ہی فکر سے بلند ہو جائے وہاں بات کی آیت سمجھ میں کیسے آئے. اس لیے جب تک کہ کوئی اقوام نہ ہو, جب تک کہ کوئی اقوام نہ ہو تو قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی جو بہت زیادہ اقوام ہے, مستحکم ہے, زیادہ قوت والی راہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی اقروی زندگی کے لیے یہ لازمی ہے. یہ پورے عالم اسلام کے لیے گفتگو ہے, اور اگر عالم اسلام تسلیم نہ کرے تو یہ ہمارے لیے تو مسلم ہے. میرے شرائط فکر کو آپ دیکھ رہے ہیں, پورے عالم اسلام کے لیے گفتگو ہے کہ عالم اسلام یہ طے کرے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو کہتے رہیں گے, اس کا اطلاق ہوگا, اس کو اپلائی کریں گے, اس کو منطبق کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو اپنے آپ پہ طاری کریں گے. یعنی سوا اس کے پھر نہ کسی کو چاہیں گے, نہ کسی کو دوست رکھیں گے, نہ کسی کی بات سنیں گے, نہ کسی کو مانیں گے. وہ ایک ہے فقط خالق کے اعتبار سے نہیں, وہ ایک ہے اس اعتبار سے بھی کہ بس اسی کی مرضی پر ہم کو چلنا ہے, اس کے علاوہ کوئی مرضی نہیں, اس کے علاوہ کسی کا ارادہ نہیں. تو لا الہ الا اللہ کا اپلیکیشن چاہیے. لا الہ الا اللہ کا اپلیکیشن کائنات میں عدل ہے. اگر عدل نہیں ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ویسی محمد رسول اللہ زبان سے نکلتا ہے اپلیکیشن اس کا, اس کا انتباق سلسلہ ہدایت ہے, سلسلہ ہدایت ہے کہ یہ سلسلہ ہدایت کو آگے جانا ہے, محشر تک جانا ہے. تو کلمہ پڑھنے والے اگر اپلیکیشن کے بغیر کلمے کو پڑھیں تو عقائد مستحکم کیسے ہوں گے؟ زبان پر تو کلمہ رہے گا, زبان پر تو کلمہ رہے گا, دل کی میں تو اور تمنائیں ہوں گی, دل میں تو اور تمنائیں ہوں گی. اور پھر آج کی ہوا و ہوس کی دنیا قیامت کے مناظر پیش کر رہی ہے. اسی دنیا کے لیے میرے مولا و آقا حلال مشکلات کہتے تھے کہ اکثر و مصارع العقول, کیا جملہ ہے دیکھیے, اکثر و مصارع العقول تحت بروق المطامع بے رے واوقاف. بروق, بروق برق کی جمع ہے, برق کے معنی بجلی, مطامع تما کی جمع ہے حرص. اکثر و مصارع العقول تحت بروق المطامع, عقل کے اکثر قرمن حرص کی بجلیوں میں ہیں.
ये अली ही का इरशाद है। अकल के खिरमन अक्सर बिजली की जद पर हैं और हिस की बिजलियां चमक रही हैं, हवस की बिजलियां चमक रही हैं, हवा की बिजलियां चमक रही हैं, काहिशात नफ्स की बिजलियां चमक रही हैं। इसमें अकल को संभालने की सूरत क्या है? हवा वो हवस को हटाओ, हवा वो हवस को हटाओ, अकल को किसी का पाबंद कर दो। आज गुफ्तगू कुछ इसी नहज से रहेगी, मगर हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, इसलिए कि बड़ी अहम आयतें आ रही हैं जहां हिकमत ही हिकमत है इस सूरे में। काश आपको फुर्सत इतनी मिलती कि जहां तक मैं जा रहा हूं आप कुरानी मजीद की तिलावत भी करते जाते। अक्सर मसारिल उकूल तहता बुरूक इल्मतामे, अकल के अक्सर खिरमन हिर्स की बिजलियों की जद में है। तो ऐसे मौके पर क्या करना है? अकल को बांध रखना है। अकल के खुद लगत में माना है बांधना, ऐन काफ लाम, अकल बांधना। अकल है इकाल से, इकाल के जैसे ऊंट के पांव बांधे जाएं, जैसे घोड़े के पांव बांध के रखे जाएं, इकाल। अमीर मोमिनीन की दुआए सबा, ये तीन चार जुमले दुआए सबा के, अतरुद्दु ज़मानन वला वरदा इलाहियाज़का शारिबा, परवरदिगार क्या तू उस प्यासे को वापस कर देगा जो तेरे चश्महाए मारिफत पर पानी की भीख मांगने के लिए आया हुआ है। अतरुद्दु ज़मानन वरदा इलाहियाज़का शारिबा अतुकय्यिब मुस्तर्शिदन क़सदा इला जनाबिका साया, क्या उस रास्ता ढूंढने वाले को तू नाउमैद करेगा जो तेरी बारगाह में तेरे दरवाजे पर रास्ते को ढूंढने के लिए आया है। अतुकय्यिब मुस्तर्शिदन क़सदा इला जनाबिका साया अतरुद्दु ज़मानन वरदा इला हियाज़का शारिबा, और उसके बाद कहा इलाही हाज़ही अजिम्मत और नफसी, परवरदिगार अजिम्मा जिमाम की जमा है लगाम, हाज ही अजिम्मत और नफसी अकल तो हावे इकाल मशीयत, मैंने अपने नफ्स को तेरी मशीयत से कस के बांध दिया है। ही अजिम्मत नफसी अकल तो हाब इकाल मशीयत, मैंने तेरी मशीयत की रस्सी से अपने नफ्स को कस के बांध दिया है, अब जिधर चाहे ले चल, जिस तरफ चाहे ले चल, मालिक तेरी मशीयत से बाहर नहीं हूं, मेरी कोई जाती अपनी ख्वाहिश नहीं है, तेरी मशीयत है। तो जमाने का इमाम कुल का मुख्तदा मंजिलत हारून पर रहने वाला नफ्स रसूल वो कह रहा है कि मैंने अपने नफ्स को तेरी मशीयत की रस्सी से कस के बांध दिया है। दुआए सबा दुनिया पढ़ती है, दुनिया पढ़ती है, मगर कभी दुनिया ने यह सोचा कि अली ने अपनी तन्हाई में और रातों की तन्हाई में जब यह दुआ की है तो क्या यह मुमकिन है कि जबान पर कुछ होगा दिल में कुछ और होगा? बांध दिया है तो बांध दिया है, मशीयत के ताबे हो गए हैं तो हो गए, अब वो किसी और के इरादे पे नहीं चलते, अब उनको कोई रहे हक से हटा नहीं सकता। तो ऐसे मौके पर किसी ने कहा कि याली जरा सी बात है, कई बगल अब्तल अखरान, क्या बात है याले कि आप ये पहलवानों पे काबू कैसा पाते हैं? कई बगल अब्तल अखरान अलिफ काफ रे अलिफ नू, क्या आप ये बड़े बड़े पहलवानों पर बेख्तियार काबू कैसे पा लेते? ऐसा फरमाया मा लकीतु अहदन, मा लकीतु अहदन इल्ला आननी अला नफ्से, मेरे सामने कोई भी पहलवान नहीं आता जिसका सरासर वजूद अपने जबान इस्तेदाद से पुकार के न कहे अली मुझे कत्ल कर दे।
لقيتُ أحداً إلا آنني मैंने किसी से मुलाकात नहीं की मगर ये कि उसने मेरी मदद की कि मेरे नफ्स को कत्ल कर दे। उसकी जबान इस्तेदाद पुकार रही थी, जबान इस्तेदाद पुकार रही थी सिफीन की लड़ाई में और फिर लैलतुल हरीर की लड़ाई कयामत की रात। जिरह भी उतार दी, अब कुर्ते से लड़ रहे हैं मालिक के स्तर बार बार साथ साथ के मौला क्या किया, जरा उतार दी, हर तरफ से तलवारें चल रही हैं, जाते हैं मालिक, मालिक बेहतरीन मुहाफिज तो खुद मौत है, बेहतरीन मुहाफिज तो खुद मौत है, मालिक आज अली को क्या परवाह है, मौत अली पे वाके हो जाए या अली मौत पे वाके हो जाए। इन अकौ अलल मौत औ यकौ अलैया, अब मैं मौत पे वाके हो जाऊं या मौत मुझ पे वाके हो जाए मुझे क्या फिक्र है, मैं रहे हक में आगे बढ़ रहा हूं, मैं रहे हक में आगे बढ़ रहा हूं। तो अजीब बात ये देखिए कि जब उसके होके गए तो एक मामूली सी बात थी कि कोई तीर आता जंग के मैदान में जमल में या सिफीन में और अली का काम तमाम कर देता, कोई तलवार चलती लैलतुल हरीर में और रात का वक्त था पता न चलता किसने कत्ल किया, तारीख बदल जाती। मैं कुछ कह रहा हूं, तारीख बदल जाती। आज ये अहमियत नहीं रहती, आज रमजान का ये मकाम नहीं रहता। आप समझे, कोई जंग ऐसी होती कि कोई आदमी आता जिस तरह से नमाज में हमला किया जंग के दौरान कोई हमला हो जाता, अली कत्ल कर दिए जाते, पता नहीं चलता, लिखने वाला यही लिखता सिफीन की लड़ाई थी अली कत्ल कर दिए गए, अहमियत क्या होती। मगर नहीं, जिसकी मशीयत से कस के अपने नफ्स को बांधा था उसने ऐसी मुहाफिजत की कि अली अब जान भी दोगे तो मेरे ही सजदे में। तो समझ के जीना है, समझ के मरना है, जानते हुए जीना है, जानते हुए मरना है, इल्म के साथ जिंदगी है, इल्म के साथ मौत। आप 18, 19, 20 की शबों में सुनेंगे इल्म के साथ जिंदगी है, इल्म के साथ मौत, और यही इल्म के साथ मौत है कि जहां जब वो मर गए तो फिर उनकी लहत पर इल्म ही इल्म है। वहां इल्म है, वहां साध नहीं, वहां आहंग नहीं, वहां नगमा नहीं, वहां वजदो रक्सो कैफ नहीं, बाबे मदीना इल्म की कब्र पर वो दर्सगाह के जहां मुसलसल कुरान की हिफाजत का इंतजाम होता रहे। तो इस तरह से आपके लिए मैंने दावत फिक्र दी। अली कह रहे हैं कि मैंने अपने नफ्स को तेरी मशीयत से कस के बांध दिया, वही करूंगा जो तेरी मर्जी, वही करूंगा जो तेरी मर्जी, मैंने अपने नफ्स को तेरी मशीयत से बांध दिया। तो देखिए कितना यकीन है, कितना इत्मीनान, कितना इत्मीनान है अली के नाम लेने वालों। किसी मकतब फिका से हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी मकतब फिका से सही, अगर वाकई अली के दोस्त हो, और जाहिर है कि हर मुसलमान को अली का दोस्त होना चाहिए, हर मुसलमान को अली का दोस्त होना चाहिए, इसलिए कि यही एक नाम है। कितना इत्मीनान, कितना इत्मीनान है अली के नाम लेने वालों। किसी मकतब फिका से हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी मकतब फिका से सही, अगर वाकई अली के दोस्त हो,
और जाहिर है कि हर मुसलमान को अली का दोस्त होना चाहिए, हर मुसलमान को अली का दोस्त होना चाहिए, इसलिए कि यही एक नाम है, यही एक नाम है कि जिसमें इंसान की तन्हाई में सुकून है, उसकी अंजुमन में ताकत है, उसकी किल्वत में दावत ताकुल है, उसके जलवत में एक मर्तबा वो इत्मीनान की कैफियत है कि मेरा कोई सहारा है। सुलहों में अली 24 बरस की खामोशी हुज्जत है, जंग में अली मरहब के मुकाबल में, अमर इब्ने अब्दाउद के मुकाबल में, हुनैन की मंजिल पर अली हुज्जत है, अली हुज्जत है। गुफ्तगू यहां तक पहुंची तो फिर सुनो कि ये यही कह सकता है, कोई और नहीं कह सकता। इरशाद फरमाया, क्या जिहाद करते हो तुम मुसलसल हाथों से, जिहाद करते हो अपने हाथों से, बेईदी को नहीं, नहीं, ये जिहाद मुकम्मल नहीं है जब तक कि जिहाद में जबान भी साथ साथ हक का ऐलान न करे, और कहा जबान का जिहाद भी गलत है जब तक कि दिल में यकीन न हो कि हक पर कौन है बातिल पर कौन है। फरमाया अल जिहाद बेईदीकुम व अलसिनतकुम व कुलूबकुम, दिल में ईमान नहीं है लड़ रहे, दिल में ईमान नहीं है लड़ रहे, दिल में ईमान हो तो जबान भी साथ दे, जो मारूफ है उसको मारूफ कहे, जो मुनकर है उसको मुनकर कहे, मजबूरी की जंग ना हो, मजबूरी की जंग ना हो। और यही वजह है कि जब यकीन अपने दर्जे कमाल पे पहुंचता है तो वहां फौज की जरूरत नहीं होती, अकेला लड़ता है अकेला। दिल में अगर यकीन हो तो फौज की जरूरत नहीं है, और अली से बढ़कर किसी को यकीन नहीं है। लव कुशब अल गिताउ लमज़्ज़त तो यकीना, अगर हिजाब हाय आसमानी मेरे सामने से हटा दिए जाएं तो जिस मकाम पर मेरा यकीन है वहां से आगे नहीं बढ़ेगा। इस यकीन के साथ अली मैदान जंग में आए तो फौज की जरूरत नहीं है। रसूल ये नहीं कहते कि कल पूरी फौज को भेजूंगा, ये नहीं कहते कि कल पूरी फौज को भेजूंगा, कहते हैं कल एक मर्द को भेजूंगा, एक को। हमारे भाइयों से, हमारे लश्करियों से, हमारे फौजियों से हमको यही कहना है कि अगर खुदा तुमको दौलत यकीन दे तो ये न देखो कि कितनी फौज तुम्हारे साथ चल रही है। अगर दौलत यकीन है, दिल में अकीदा मोहकम है और पुख्ता अकीदा है तो एक सिपाही पूरी फौज का काम करता है, पूरी फौज का काम करता है, और यकीन के आलम में उसका आगे बढ़ जाना दुनिया को हैरत में डाल देता, दुनिया को हैरत में डाल देता। यही वजह है कि हजारों मुसलमान हुए और फिर गुफ्तगू इस मंजिल पर आई तो फिर एक और बात कि ऐसे ऐसे मुसलमान कल आए और उसकी अल्लाह के रसूल हम मुसलमान हो रहे हैं, आपने कब आओ, इसलिए कि मकाम नबुव्वत मकाम रहमत है, मकाम रहमत वाज़े हिजाब है, यानी पर्दे डालते चलो मकाम नबुव्वत वाज़े हिजाब है, मकाम विलायत रफ़े हिजाब, या विलायत पर्दा उलट देती है, नबुव्वत पर्दे डालती है। आओ आओ इधर नजदीक, यहाँ
एक दिन मशहूर मुनाफिक जिसके लिए तमाम उलमा ने कहा सूरह मुनाफिकून आया, अब्दुल्लाह इब्ने उबई, मशहूर मुनाफिक यानी जिसके लिए किसी आलम इस्लाम में कहीं कोई दो अमर नहीं पाए जाते, मशहूर मुनाफिक। उसने सामने कुछ कहा और जाते ही पीछे साजिश की और फिर आगे, तो तारीख गवाह है और तारीख में भी सबसे अहम किताब मुसलमानों की सही बुखारी शरीफ गवाह है। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी कहते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आया और कहा अल्लाह के रसूल इसको कत्ल कर डालूं क्या? आपने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, दाहू उसको छोड़ दो, दाहू छोड़ दो, ला यतहद्दस अन्ना मुहम्मदन यक्तुलु असहाबहू, कहीं बाद मौरिख ने यह ना कह दे कि रसूल अपने सहाबियों को कत्ल करते थे। सही बुखारी शरीफ, मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी का उमर दाहू उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, लाओ यतहद्दस इन मोहम्मद अन यक्तुलु असहाबहू, अल्लाह के रसूल अब ये भी सहाबियत में है। आपने देखा अब्दुल्लाह इब्ने उबाई को भी जगह है, इतनी रहमत आम है, उसके कत्ल से रोक रहे हैं कि कत्ल ना करो, कत्ल ना करो, कत्ल हो जाना उसका कौन सी बात थी, मगर नहीं, आप कहते हैं तारीख यही लिखेगी, तारीख यही लिखेगी कि साथ बैठने वालों को कत्ल करते थे, और उसमें तो लिखा हुआ है असहाबहू इन मोहम्मदन यक्तुलु असहाबहू, अपने असहाब को कत्ल करते। तो आपने देखा कि जहां दायरे रहमत में यह वसात हो के आओ, सब आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी बैठो मेरे पास, मगर मगर जब सब के सब जमा हुए तो हमसे यह तो कहा जा सकता है, यह तो कहा जा सकता है, इब्ने असीर ने कहा, इब्ने तीमिया ने कहा कि अली का पहला इस्लाम लाना साबित ही नहीं है, अगर कहीं है भी तो 7 बरस के बच्चे का इस्लाम क्या है, जाहिर है हम इस पर गुफ्तगू नहीं करते। उन्होंने कहा जैद भी मुसलमान हो गए, खतीजा भी मुसलमान हो गई, कोई और भी मुसलमान हो गए, और अली में और उनमें तो 2-4 घंटों का फसल था, ये 2-4 घंटों का कैसे पता चला इब्ने तीमिया को, हमको तो खबर नहीं, बहरहाल ये कि हम इसे बहस ही नहीं करते, मगर ये जरूर कहते हैं कि सब मुसलमान हो गए थे ना, हो गए, हजारों हो गए, मक्के में हो गए, मदीने में हो गए, और ऐसे के मदीने में नमाज जुमा वाजिब हुई, जब नमाज जुमा वाजिब हुई तो ऐसे मौके पर यमन से तिजारत का काफिला आया और उसने बाजे बजाए काफिले वालों ने, और एक मरतबा वही आती चली, वही आती चली कि जब तिजारत का काफिला आता है, जब बाजे बजते हैं तो ऐ रसूल तरकू का कायमा, तुझे अकेला छोड़ के सब भाग जाते हैं। सूरह तरकू का कायमा, तुझे अकेला छोड़ देते हैं। तो जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी से पूछा गया, हजरत आप तो थे ना? कहा मैं था, और मुझे मिला के 12 रह गए थे। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी की गिनती है, और आप जिस किताब को उठा के देखिए, अब्दुल कादिर मुहद्दिस देहलवी का हाशिया देखिए, अशरफ अली थानवी का हाशिया देखिए, कुल 12 रह गए। तो यह जंग नहीं है खैबर की, यह खंदक की लड़ाई नहीं है, यह हुनैन की जंग नहीं है, यह नमाज है जुमे की, ये नमाज है जुमे की, तिजारत का काफिला आया बाजे बजे, और एक मरतबा सब चले, मस्जिद खाली, नियत रसूल बांध चुके हैं,
तो आपने देखा हुजूर ये माबूद से जो भागे। वहां जंग की गुफ्तगू क्या? हुजूर ये माबूद से जो भागे। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं 12 रह गए। तो अब जाहिर है कि अब नामों को लिखने के लिए, देखने के लिए कि जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी के साथ सलमान होंगे या नहीं होंगे, अबूजर होंगे या नहीं होंगे, मकदाद होंगे या नहीं होंगे, अम्मार होंगे या नहीं होंगे, अली होंगे या नहीं होंगे। तो अब नामों की गिनती कितनी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद और अब कितनी गुंजाइश रह जाती है 12 में कि अशरा मुबशरा को लाए। फिर तादाद कहां रहती है? अच्छा, और एक बात देखिए, एक अजीब बात है। अब्दुल्ला इब्न जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी को नाज है, रसूल ने नमाज पढ़ी बजे बजे और मैं था। अगर वाकया ये कि तारीख इस्लाम में कोई इतनी मुकावेमत कर जाता है नमाज जुमा में, तो बाद में वो भी नाज करता कि नमाज में तो मैं खड़ा था। नमाज में मैं खड़ा था। नमाज में खड़ा होना बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है, बड़े अकीदे के इस्तेहकाम की जरूरत है। हुजूरी हक। और वहां मालूम है कि बाजार सजा है, नए नए दुकानदार आए हैं, मुमकिन है वहले अव्वल में सामान सस्ता मिले, सामान सस्ता मिले, अच्छी चीजें मिल जाए। चलो तो जरा सी दुनिया और इतना मुतजलजल कर दे तो वहां जहां जानों की बाजी लगी हुई हो, जहां जानों का सौदा हो रहा हो, गुफ्तगू खत्म। अब आप 17 की रात को बद्र सुनेंगे। जाहिर है बद्र के बाद ओहद है, ओहद के बाद खंदक है, खंदक के बाद खैबर है, खैबर के बाद आखिरी लड़ाई तकरीबन 9 हिजरी हुनैन। वो यौम हुनैन इज आजबत तुम कसरत हुकुम। हुनैन में खुद तुम अकड़ गए थे अपनी कसरत पर, इतने 1000 आदमी तुम्हारे साथ थे, तुम खुद अकड़ गए थे। मगर उसके बाद जब एक मर्तबा कुफार ने हमला किया, कदम उखड़ गए। फिर जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी, जाबिर हुनैन में कितने रह गए? का फिर 12। तो आपने देखा कि नमाज हो या जंग, नमाज हो या जंग, ये बड़ा मुकम्मल आदत है। और अली का आलम यह था कि कलमदार लश्कर को कत्ल करते जा रहे थे, रसूल की खिदमत में आ रहे थे और फिर इजाजत ले रहे थे, फिर हमला कर रहे थे। गुज़िश्ता साल मैंने यह हुनैन की जंग पढ़ी है, अब के मौका मिले तो शायद आखिरी तारीखों में उसको फिर पढ़ूं, ताकि आपका हाफिजा ताजा रहे। सिर्फ यह अर्ज करना है कि जिसको खुदा यकीन की दौलत दे, वो फौजों को लेकर नहीं लड़ता, वो अकेला धंसता है, अकेला लड़ता है, अकेला तबकात को उलट देता है, वो अकेला हुर बनता है, वो अकेला अब्बास बनता है, वो अकेला मुस्लिम औसदा बनता है, वो अकेला ज़ुहैर इब्न क़ैन बदरी बनता है, वो अकेला हुसैन बनता है। इलाही व सय्यदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा हमको कामिल ईमान, परवरदिगार ममलिकत की हिफाजत फरमा, मिल्लत को मुत्तहिद कर, पाकिस्तान के हुदूद की हिफाजत फौजें कर रही हैं, इनको अली की गुलामी की इज्जत हासिल हो, तौजील फरमा जहूर।